तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बोले किंग। आज हम बात करने वाले हैं सिंघम 3 की और भूल भुलैया 3 का डे 22 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। किसने मुट्ठी में कर लिया सारा कलेक्शन दोस्तों, कौन किस पे हैवी रहा, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ एडवांस बुकिंग को लेकर बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर बात करेंगे। टोटल मिलाकर आपको बताने वाले हैं कि भाई कौन सी मूवी कितना कितना लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकते हैं, कुछ इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अजय देवगन और कार्तिक आर्यन के फैंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सिंघम अगेन की, जो कि हम सिंघम 3 भी इसे बोल सकते हैं। दिन है 22वां, हम मूवी के हिसाब से ऐसे थर्ड फ्राइडे भी बोलेंगे, यानी कि भाई मूवी का थर्ड फ्राइडे किसका फ्राइडे भारी रहा दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं सिंघम 3 की, यानी कि डे 22 का। दोस्तों 4.97%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई साहब 11.70%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई साहब 11.9%, नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें थोड़ा सा ग्रोथ मारा 16.49%। इसी के हिसाब से इसकी डे 22 की जो एडवांस बुकिंग हुई थी भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 5 से 6 लाख के अराउंड में इसकी एडवांस बुकिंग हुई होगी, क्योंकि भाई जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही उसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इनना जो कलेक्शन करा डे 22 का 87 लाख रुपए, यानी कि भाई साहब अब ये फिल्म करोड़ों से नीचे उतर चुकी है। पहले फिल्म दोस्तों करोड़ों में आती है, फिर लाखों में आती है, अब ये मूवी लाखों में आ चुकी है, यानी कि भाई इस मूवी का अब कल्याणम होने वाला है दोस्तों। यानी कि भाई डे 22 का जो कलेक्शन है सिंघम 3 का, मैं आपको दोबारा बता दूं कि भाई 87 लाख रुपये। इसी के हिसाब से इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 237 करोड़ 2 लाख रुपये, इंडियन ग्रोसर की बात करें 283 करोड़ 3 लाख रुपये, ओवरसीज के अंदर 74 करोड़ 45 लाख रुपए कमा चुकी है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 357 करोड़ 75 लाख रुपए। मैं आपको दोबारा बता दूं, सिंघम 3 का डे 22 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 357 करोड़ 75 लाख रुपए। मूवी का बजट 350 करोड़ 350 करोड़ रुपए है और मूवी कमा चुकी है भाई साहब 357 करोड़ 75 लाख रुपए। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को जो मेकर्स इसको क्लीन हिट, मतलब क्लीन हिट नहीं देंगे इस मूवी को दोस्तों, या तो भाई एवरेज मिलेगा या भी दोस्तों भाई से सेमी हिट मिलेगा। यानी कि भाई मूवी ने भाई काम तो करा, यानी कि भाई दर्शक इस मूवी को देखने गए, मूवी ने अपने बजट तक पहुंची, क्योंकि भाई बजट भी बहुत ज़्यादा तगड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अजय देवगन की सबसे ज़्यादा कमाने वाली सिंघम 3 मूवी है 357 करोड़ 75 लाख रुपये। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं सिंघम 3 के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। बात करते हैं भाई साहब भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 3 है डे 22, यानी कि भाई मूवी के हिसाब से बात करें तो भाई साहब थर्ड फ्राइडे इसे बोलेंगे। इसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 7.4%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई साहब 12.45% दोस्तों। इवनिंग ऑफ सॉरी दोस्तों वो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी, शाम की इवनिंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई साहब 12.80%, नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 16.21%। यानी कि भाई नाइट ऑक्यूपेंसी में कंपेयर कर दो भाई थोड़ा सा ग्रोथ मारा था नाइट ऑक्यूपेंसी में, यानी कि भाई नाइट में ऑडियंस कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी के हिसाब से इसकी जो डे 22 की जो एडवांस बुकिंग हुई है भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हुआ, तकरीबन 20 लाख रुपए के आसपास की डे 22 की एडवांस बुकिंग हुई है। जिस तरह की रिपोर्ट हमारे पास है वही हम कब बता रहे हैं। तो इस डे 22 का जो कलेक्शन है भूल भुलैया, यानी कि भाई सिंघम 3 से ज़्यादा है 1 करोड़ 44 लाख रुपए। भूल भुलैया 3 22वें दिन 1 करोड़ 44 लाख रुपए कमा चुकी है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है सिंघम 3 के सामने। सिंघम 3 की बात करें भाई साहब, इसकी स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है और बताया जा रहा है कि भाई सिंघम 3 में अजय देवगन ने बहुत तगड़ी फीस ली है, यानी कि भाई जो बजट इसका बड़ा है वो फीस वीस में गया है। बाकी यहाँ पर भाई बीट कर दिया है भूल भुलैया 3 ने सिंघम 3 को। बाकी इसी हिसाब से इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 241 करोड़ 4 लाख रुपए, इंडियन ग्रोसर की बात करें 287 करोड़ 1 लाख रुपए, ओवरसीज के अंदर 78 करोड़ रुपए कमा चुकी है भाई साहब। यहां पर देखा जाए तो ओवरसीज में भी भूल भुलैया 3 ने सिंघम 3 को पीछे कर दिया है। और दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें 365 करोड़ 1 लाख रुपए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ भूल भुलैया 3 का डे 22 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 365 करोड़ 1 लाख रुपए। यहाँ पर भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मुकाबले में सिंघम 3 को पीछे कर दिया है भूल भुलैया 3 ने। बाकी अब ये मूवी दोस्तों भाई लूज़ होती हुई नज़र आ रही है, दोनों मूवी कलेक्शन कम कर दिया, फिर भी दोस्तों भूल भुलैया 3 की बात करें ये भी ठीक ठाक दोस्तों टिकी हुई है। बाकी
देखते हैं क्या होता है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं दोनों उस मूवी के बारे में, कौन सबसे बड़ी हिट रहेगी। बाकी दोस्तों भूल भुलैया 3 की बात करें, भाई ये हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इस मूवी का बजट है 150 करोड़ रुपये, मूवी कमा चुके हैं दोस्तों अपने बजट से भी डबल, यानी कि हम इसे सुपर हिट इसे बोल सकते हैं। इसका जो वर्डिक्ट आएगा वो सुपर हिट आएगा। बाकी आप क्या करना चाहते हैं दोनों उस मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब।